तो दोस्तों इस वीक का मंडे नाइट रॉ काफी कमाल का होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मनी द बैंक का क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलने वाला है, एक काफी कमाल का टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है और कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा और भी काफी कुछ, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों सबसे पहला मैच जिसे WWE ने कर दिया ऑफिशियल वह है मैच मनी द बैंक लेडर के लिए क्वालिफाइंग मैच मैट रिडल वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच। वही बात कर ली जाए कि यहाँ पर जीत कौन सकता है, तो मैट रिडल की फ्यूड अभी चल रही है इंपीरियम के साथ, तो चांसेस है कि यहाँ पर इंपीरियम अपने इंटरफेरेंस करने वाले हैं जिसकी वजह से रिडल हारने वाले हैं, या फिर जजमेंट डे में मदद करते हुए दिख सकते हैं डेमियन प्रीस्ट को इस मैच को जीतने में। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया ऑफिशियल वह है कोडी रोड्स वर्सेस द मिज के बीच। जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में डोमिनिक मिस्टीरियो ने स्लैप कर दिया था कोडी रोड्स पर, जिससे कोडी रोड्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कोडी रोड्स अपना गुस्सा निकालते हैं द मिज पर। इसलिए इस वीक के मंडे नाइट रॉ में आप सबको यह मैच देखने को मिलने वाला है और आप सब जानते हो कि इस मैच में किसकी जीत होगी, यानी कि कोडी रोड्स यहाँ पर हराने वाले हैं द मिज को। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच WWE ने कर दिया कंफर्म वो है टैग टीम मैच सेमी जेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस गुंथर एंड लुडविक काइजर के बीच। तो दोस्तों जैसा कि हम सबने लास्ट वीक के रॉ में केविन ओवेंस एंड गुंथर के बीच एक बहुत ही कमाल का मैच देखा ही था, वैसे ही हम सब इस वीक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं टैग टीम मैच से, और हो सकता है कि इस मैच में मैट रिडल का इंटरफेरेंस देखने को मिले जिसकी वजह से जीत हो सेमी जेन एंड केविन ओवेंस का। तो दोस्तों जैसा कि रोमन रेंस को ब्रांड न्यू टाइटल मिल चुकी है और लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें आस्का के लिए ब्रांड न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप भी देखने को मिली, तो दोस्तों हो सकता है कि इस वीक के रॉ में हमें WWE स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का भी कोई न्यू वर्जन लेकर आते हुए दिखे WWE रिया रेफली के लिए। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के बारे में। जैसा कि सेथ रॉलिंस फाइटिंग चैंपियन के तरह WWE में काम कर रहे हैं, लेकिन इस वीक से दोस्तों हो सकता है कि उनकी प्रॉपर फ्यूड स्टार्ट होते हुए दिख जाए, क्योंकि अपडेट्स के अकॉर्डिंग फिन बैलर होने वाले हैं सेथ रॉलिंस के नेक्स्ट चैलेंजर और इनका मैच हमें देखने को मिलने वाला है मनी इन द बैंक पे पर व्यू में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि लास्ट वीक के रॉ में टीज होते हुए दिखा। तो दोस्तों आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस वीक के रॉ में हमें फिन बैलर चैलेंज करते हुए देख सकते हैं सेथ रॉलिंस को और इनका मैच हमें बुक होते हुए देख सकता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मनी इन द बैंक के पेपरव्यू में। तो दोस्तों यही कुछ होने वाला इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो दोस्तों आप सब इस वीक के मंडे नाइट रॉ के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।